धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा से भारत में सुर्खियां बटोरता है। धर्म परिवर्तन भारत के लिए एक अहम विषय है और ये विषय तब और भी महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है जब धर्म परिवर्तन कराने वाले किसी गुर्गे का पर्दाफाश होता है। धर्म परिवर्तन को लेकर भारत में कई कानून बने हैं, बावजूद इसके कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अब इसी के तर्ज पर गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी गुजरात सरकार के उस अहम फैसले की जो धर्म परिवर्तन के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। गुजरात सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म अपनाता है तो उसे गुजरात स्वतंत्रता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। यह सर्कुलर राज्य सरकार के गृह विभाग ने 8 अप्रैल को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने देखा है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए आवेदन नियमों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं। गुजरात में हर साल दशहरा और अन्य त्योहारों के दौरान लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन नहीं किया जाता। आवेदकों का कहना है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है और अब इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। सर्कुलर के अनुसार ऐसे मामलों में जहां धर्मांतरण के लिए पूर्व अनुमति मांगने वाले आवेदन दायर किए जाते हैं, लेकिन इस मामले से संबंधित कार्यालय ऐसे आवेदनों का यह कहकर निपटारा करते हैं कि सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए आवेदक इसके हकदार हैं, ताकि ऐसे रूपांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता ना हो। हालांकि अब गुजरात सरकार ने सर्कुलर में साफ कर दिया है कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाएगा। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, सिख या जैन धर्म में परिवर्तित करता है उसे जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। 2021 में गुजरात सरकार ने किया संशोधन। आपको बता दें कि गुजरात सरकार गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के जरिए सरकार का मकसद लालच देकर बलपूर्वक गलत बयानबाजी या किसी अन्य गलत तरीके से धर्म परिवर्तन को रोकना था। साल 2021 में गुजरात सरकार ने विवाह के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले एक्ट में संशोधन किया। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल तक की जेल और 5,00,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और इसके लिए आरोपी को खुद सबूत देने होते हैं। ऐसे मामलों की जांच डीएसपी लेवल से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। गुजरात सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, जहां यह मामला अभी भी पेंडिंग है। गुजरात सरकार के इस अहम फैसले के बाद चर्चाओं का माहौल तेज है और धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि धर्म परिवर्तन को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है। देश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की अपील की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। इन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं।
इसको लेकर सबसे पहले ओडिशा में कानून बनाया गया था। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ क्या कानून है और इसे कब लागू किया गया था। ओडिशा में सबसे पहले बना था कानून। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर ओडिशा राज्य में कानून बनाया गया था। इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही इस कानून के तहत SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। MP ने कानून में किया संशोधन। साल 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। यहां भी ओडिशा के जैसा ही कानून था, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। वहीं SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना तय किया गया था। इसके बाद साल 2020 में शिवराज सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया। दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी। इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान तय किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से हुआ धर्मांतरण। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लालच देकर काफी तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 1978 में कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना तय किया गया था। छत्तीसगढ़ में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य। मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को अपनाए रखा। इसके बाद साल 2006 में इसे संशोधित किया गया और धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 2006 में हिमाचल प्रदेश ने बनाया कानून। हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, जिसे साल 2019 में संशोधित किया गया, जिसके तहत बल, जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से या शादी कर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने को मजबूर करते हैं तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसके बाद साल 2022 के अगस्त में द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल पारित किया गया, जिसमें सजा को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया। हिमाचल में अब सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की कैद और 2,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में धर्मांतरण को बताया गैर कानूनी। साल 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस अपराध के लिए आरोपी को 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि अपराध किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ किया गया है तो जेल की सजा 4 साल और जुर्माना 1,00,000 रुपए तय किया गया था। उत्तराखंड में सख्त सजा का प्रावधान। जबरन धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ उत्तराखंड बेहद सख्त सजा का प्रावधान करता है। 2018 में बनाए गए कानून को यह और भी सख्त करता है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा होगी। इसके साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यूपी में धर्मांतरण के बाद विवाह को बताया अवैध। 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और अपराध की गुणवत्ता के मुताबिक 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इस कानून के तहत SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही यदि कोई अपने धर्म के बाहर किसी से विवाह करना चाहता है तो जोड़ों को शादी से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित शादी के बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि किसी महिला का विवाह केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है तो ऐसे में उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है।
कर्नाटक ने 2022 में बनाया कानून। 30 सितंबर 2022 को कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयान, बल, लालच, जबरदस्ती या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से किसी का धर्मांतरण कराता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नाबालिग महिलाओं और SC और ST समुदायों के व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। मौजूदा आंकड़े ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर कानून पहले से ही सख्त है। बावजूद इसके धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं और इसका ज्यादातर शिकार गरीबों और दलितों को बनाया जाता है, जिसे रोकने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।